बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैं सफदर हुसैन विरक, डिप्टी कमिश्नर गुजरात, अपने डिस्ट्रिक्ट गुजरात के लोगों से मुखातब हूँ। जैसे कि ईद उल अज़हा शुरू हो रही है, तो उस हवाले से मैं ये सिर्फ बताना चाहूँगा कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और वज़ीर आला साहिबा की तरफ से हदायत दी गई, उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने 9 मंडियाँ कायम की हैं जहाँ पर लोग जा रहे हैं। इसी तरह तमाम लोगों को वहाँ पर फैसिलिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की गई हैं कि वो आसानी से जाकर वहाँ से अपना कुर्बानी का जानवर खरीद सकते हैं। इसके अलावा कहीं भी जो जानवर इस तरह खड़े करके को बेचने की कोशिश करता है, उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ से रिमूव करके उनको उन्हीं मंडियों में शिफ्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ आने वाले दिनों के लिए मैं अपने तमाम डिस्ट्रिक्ट के लोगों से ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की हदायत के मुताबिक तमाम MCs ने और ज़िला कौंसिल ने सफाई को मेनटेन रखने के लिए यहाँ पर बहुत सारे अर्बन एरियाज़ में डिग्रेडेबल शॉपर्स जो हैं या थैले जो हैं वो लोगों को दिए हैं और कुछ देने जा रहे हैं अगले कल और परसों 2 दिनों में, जिसमें आप लोग अपनी ऑफर्स जो हैं जानवरों की आलाइशें जो हैं वो डालकर जस्ट अपने घरों के बाहर या जो डेजिग्नेटेड जगह है वहाँ पे आप लोग सिर्फ उनको पहुँचाएँगे। उससे आगे वहाँ पे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या ज़िला कौंसिल वो ख़ुद वहाँ से रिमूव करके उनको जो असल जो उनका डंपिंग साइट है वहाँ तक पहुँचाएँगे। लेकिन मेरी दरख्वास्त अपने तमाम लोगों से यही होगी कि कम अज़ कम उनको ऐसी जगहों पर नालों में, नालियों में और ऐसी जगहें जहाँ पर हमने डेजिग्नेट नहीं किया, गुमनाम जगहों पे ना फेंकें, उससे तफन फैलता है और आप लोगों के लिए बीमारी और बदबू फैलेगी। तो जब गवर्नमेंट की तरफ से हदायत के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों के लिए पूरी सर्विस देने के लिए ईद के सारे दिनों में बिल्कुल हम तन तैयार है, तो आप लोगों की तरफ से सिर्फ एक ही तावन चाहिए कि जहाँ जहाँ डेजिग्नेटेड प्लेसेज हैं वहाँ पर आप गंदगी को पहुँचाएंगे, उससे आगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग जो ड्यूटी पे होंगे वो लोग उनको शिफ्ट करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ कि तमाम लोगों को कि अगर किसी जगह पर आप समझते हैं कि आप तक वो जो आलाइश हैं या इस तरह की गंदगी है उसको उठाने के लिए कोई बंदा नहीं पहुंच पाता, तो आपको ये स्क्रीन पे चलते हुए नंबर जो हैं जिसमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और हमारे डिफरेंट जो MCs हैं उन सब के नंबर, लाला मूसा खार या डिंगा और इस तरह के सब के वो नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। आप जस्ट एक कॉल करेंगे कि यहाँ पर हमारे मोहल्ले या फलां गली में इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं, तो वो रिमूव हो जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम जो कैम किया गया है ईद के दिनों में, जो DC ऑफिस में यहाँ कैम किया गया, उसके भी नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ जाएंगे। इनको देखते हुए कहीं भी आप समझते हैं कोई ऐसा मसला है जो ज़िली इंतज़ामिया को बताने वाला है, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़िली इंतज़ामिया ईद के पूरे दिनों में आपकी सर्विस के लिए तैयार है। बाकी ईद के हवाले से ज़िली इंतज़ामिया ने जहाँ जहाँ ईदगाह हैं, जहाँ जहाँ मसाजिद हैं, जहाँ जहाँ नमाज़ पढ़ी जाएगी ईद की, वहाँ पर बेहतरीन सफाई के इंतज़ाम इंशाल्लाह आपको इंश्योर करके देंगे। सिक्योरिटी के इंतज़ाम के बारे में बेहतरीन जो है वो लाहेमल अपनाया गया है, और हम ये दुआ करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस ईद पे हम इंशाल्लाह सब मिलकर खुशी मनाएं।